नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने एक जो स्केच जो होता है, फॉर्मेट जो होता है मैट्रिमोनियल्स का, उसके अपन ने बात की थी। और आज हम यहां पर बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से हम किस प्रकार से उसको फॉर्म करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ अपन दोस्तों बात करते हैं। देखिए, ये हम जो आज बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मैट्रिमोनियल्स की, और इसमें हम बात कर रहे हैं ब्राइड वांटेड की, ठीक है ना। तो जैसे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया कि सपोज़ यू आर राजेश मारवाड़ी, है ना, यू हैव अ बॉय ऑफ 25 ईयर्स या 30 ईयर्स, यू लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर योर सन, इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो वहाँ आपको किस प्रकार से बनाना है, मतलब कि अब हमें दुल्हन चाहिए अपने बेटे के लिए, तो वो किस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की दसवीं बार बात करें, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें स्केल की सहायता से, फुट्टे की सहायता से बिल्कुल सीधी सीधी से लाइनें बनानी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ दोस्तों, अगर अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं आपको, तो हाथ से लाइन ड्रॉ ना करें, स्केल से फुट्टे से लाइन ड्रॉ करें। ये लिखने के बाद में बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है ब्राइड वांटेड, ठीक है दोस्तों। क्या लिखना है हमें, ब्राइड वांटेड, ये हमें बिल्कुल बीचों बीच लिखना है। और याद रहे, अक्षर सुंदर हो और बिल्कुल एक जैसे आकार के अक्षर होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दोस्तों, उसके बाद अपन बात करते हैं शुरुआत। जैसे मैंने बात की थी, ये हेडिंग हो गई हमारी, ये हमारी क्या हो गई, हेडिंग। अब स्टार्टिंग कैसे करना है, तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था अलाइन से करना है। किससे करना है, अलाइन से। अलाइंस इन्वाइटेड फॉर, अलाइंस इन्वाइटेड फॉर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ जाए मैट्रिमोनियल्स का, चाहे ग्रूम वांटेड हो चाहे ब्राइड वांटेड हो, आप उसकी शुरुआत ऐसे ही करें, है ना। तो अलाइंस इन्वाइटेड फॉर, स्पेलिंग्स वगैरह भी आप देख लें जब पेपर की तैयारी आप करें, तो अलाइंस इन्वाइटेड फॉर। अब चूंकि हमें दुल्हन चाहिए, तो सबसे पहले हम, मैंने आपको बताया था कि डिटेल्स ऑफ द ब्राइड ग्रूम, हमें दुल्हे की विशेषताएं बतानी है, तो वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। हैंडसम, लड़का के लिए हैंडसम लिखेंगे और लड़की के लिए हम लिखेंगे ब्यूटीफुल। तो हैंडसम मारवाड़ी बॉय, है ना। फिर अपन ने बात की थी उसकी एजुकेशन की, तो वो कहाँ पढ़ा हुआ है, कॉन्वेंट एजुकेटेड, मतलब कि इंग्लिश मीडियम के अच्छी स्कूल में पढ़ा हुआ है, कॉन्वेंट एजुकेटेड। और उसका कलर कैसा है, फेयर है। कलर उसका कैसा है, फेयर है। ये उसकी एज हो गई 30 इयर्स। उसके बाद ये उसकी हाइट हो गई दोस्तों, ये उसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। और साथ में उसने बीटेक किया हुआ है दोस्तों, क्या किया हुआ है उसने, बीटेक किया हुआ है। और अभी जो उसका इनकम है, इनकम है उसकी 50,000 पर मंथ है। इनकम कितनी है उसकी, 50,000 पर मंथ है। इसे दोस्तों आप चाहे तो फिगर में ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरह से, है ना, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 पर मंथ, ठीक है। और क्या काम कर रहे हैं वो, कंडक्टिंग कोचिंग क्लासेस, अपनी खुद की कोचिंग क्लास उन्होंने चला रखी है, मैथ और रीजनिंग वो पढ़ाते हैं, ऐसा मान करके आप चल लीजिए। अब ये तो पूरी डिटेल हो गई ग्रूम की। अब हमें जो डिज़ायर्ड जो ब्राइड है उसकी डिटेल्स की बात करनी होती है, तो यहाँ इसको देखेंगे अपन। लुकिंग फॉर टॉल ब्यूटीफुल गर्ल, लुकिंग फॉर टॉल ब्यूटीफुल गर्ल, ये आपको सब में ही लिखना है, ठीक है। फ्रॉम ए डिसेंट फैमिली, एक अच्छे परिवार से लड़की चाहिए। आपने यहाँ पर यह भी लिख दिया है कि कास्ट नो बार, जाति बंधन नहीं है किसी भी कास्ट की हो, बस वो भले घर की होनी चाहिए। सेंड बायोडाटा विथ रिसेंट फोटोग्राफ्स, है ना, अच्छे आप जो है अभी आप बायोडाटा भेजें और अभी हाल ही के जो फोटोग्राफ हैं आप उसमें वो भेजें। ऑफ द गर्ल, किसका फोटो भेजना है, लड़की का फोटो भेजना है। रिटर्नेबल है, वापस हो जाएंगे फ़ोटो, क्या हो जाएंगे, फ़ोटो वापस हो जाएंगे। कहाँ भेजना है, राजेश मारवाड़ी के यहाँ भेजना है, राजेश मारवाड़ी, पीओ बॉक्स नंबर 421, हिंदुस्तान टाइम्स, जोधपुर। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया है एक आपके ब्राइड वांटेड का। दोस्तों, इसके देखा देख आप दो तीन अपना बनाने की कोशिश करें, तब आपका उसमें परफेक्शन आ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, एक दूसरा बनाऊंगा आपके लिए मैं ग्रूम वांटेड, वो मैं बनाऊँगा नहीं अगले वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।